नमो नारायण, राधे राधे। एक बार पुनः आपके बीच ऑनलाइन इंडिया पीआरजी के अंदर मैं पंडित महेश जोशी आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। आज की जो विशेष जानकारी है उसके अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा घोड़े की नाल। आपने सुना होगा घोड़े की नाल, हर जगह देखा भी होगा, घर के अंदर घोड़े की नाल इस प्रकार से लगी हुई होती है, व्यापार में इस प्रकार से लगती है ऐसे, और घर के अंदर इस प्रकार से लगती है घोड़े की नाल। अगर आपको कहीं भी बाहर जा रहे हो और अगर चलते फिरते आपको घोड़े की नाल मिल जाए तो वो सबसे अति उत्तम मानी जाती है। बाकी मोस्ट ऑफ काले घोड़े की नाल ज़्यादा होती है, और काले घोड़े की नाल के बजाय आप दूसरी नाल भी अगर घर में लगाते हो तो भी उससे पॉजिटिव ही है, उससे फ़ायदा ही है, व्यापार में बढ़ोतरी होती है। व्यापार स्थान के अंदर आप घोड़े की नाल, उसके ऊपर सिंदूर लगा के व्यापार स्थान के अंदर घोड़े की नाल ऐसे लगती है, और घर के अंदर घोड़े की नाल ऐसे लगती है। ऐसे का अर्थ है व्यापार हमेशा चलता रहना चाहिए, खुला रहे, और ऐसे का मतलब कोई प्रकार की नेगेटिव एनर्जी अपने घर के अंदर प्रवेश नहीं हो। तो घोड़े की नाल जो होती है वो शनि का वर्चस्व होता है, उससे आपके घर में हमेशा एक इस प्रकार का वातावरण बना रहेगा जिससे शनि की, शनिदेव की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। शनिदेव जो है न्यायप्रिय देवता है। अगर आपने कोई भी अच्छे पॉजिटिव कर्म किए तो उसका पूर्ण रूप से फल मिलेगा आपको, और नेगेटिव का नेगेटिव तो है ही, पर प्रभु की कृपा बनी रहे, किसी प्रकार को किसी का नेगेटिव फल नहीं मिले और अच्छे कर्म ही करते रहें। तो घोड़े की नाल का जो मैं ये बताना चाहता था आपको कि घोड़े की नाल अगर आप अपने घर में रखते हैं और घोड़े की नाल की पूजा अगर करते हैं, क्योंकि मेन जो घर का जो मेन गेट होता है, घर का मेन गेट हमेशा बड़ा होता है, और घर के मेन गेट के ऊपर घोड़े की नाल लगाई जाती है। अगर घर के मेन गेट के ऊपर अगर घोड़े की नाल लगाई जाती है तो उससे घर में किसी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी नहीं आती, कोई दुष्प्रभाव नहीं आता घर के ऊपर, कोई ऊपरी हवा का प्रयोग प्रभाव अपने घर के ऊपर नहीं आता, और किसी प्रकार से अपने घर के अंदर कोई भी अपना जो शत्रु है या अपना जो बुरा सोचने वाले हैं वो भी घर में प्रवेश नहीं कर पाते। ये विजयादशमी के दिन जब शस्त्र पूजा होती है, मोस्ट ऑफ अगर घोड़े की नाल अगर आप अपने घर में लगाते हैं तो विजयादशमी जो दीपावली से जस्ट 20 दिन पहले आती है, रावण दहन होता है, उस दिन अगर आप अपने घर में ये घोड़े की नाल अगर अपने घर में लगाते हैं तो आपके घर में नो डाउट किसी प्रकार की आपके घर में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपके घर में व्यापार सुख समृद्धि का वातावरण बना रहेगा। और जिसके घर में हमेशा रोग और बीमारी बनी रहती है वो भी अपने घर में घोड़े की नाल जो है उसकी अंगूठी बना के तेल में भिगो के शनिवार के दिन, सैटरडे के दिन अगर धारण करते हैं प्रातःकाल सुबह, तो मेरा मानना है आपके घर में अगर मेडिकल वगैरह ज़्यादा आता है, फाइनेंशियली पैसा अगर आपके दवाइयों में ज़्यादा खर्च होता है तो वो भी खर्च होना बंद हो जाएगा। और मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर किसी प्रकार के आपके कोई प्रश्न हैं और उसका आप जवाब चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में टाइप करें। और मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल पीआरजी ऑनलाइन इंडिया को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और आपका प्यार इसी तरह हमारे ऊपर बना रहे, और माता रानी की कृपा बनी रहे, और भगवान आप सबकी मनोकामनाएं पूरी करें। इसी के साथ नमो नारायण, राधे राधे।